बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। समय के बाद बहुत ही जल्द सनी देओल अपनी गदर के सीक्वल के साथ नजर आने वाले हैं। फैन सनी देओल की गदर 2 का बहुत इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको देख के लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। गदर का सीक्वल 22 साल बाद बनने जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। गदर फिल्म आज से 22 साल पहले रिलीज हुई थी। आज भी लोगों को इस फिल्म के डायलॉग याद हैं। जिस तरह से सनी देओल ने पाकिस्तान में जाके गदर मचाया था लोगों को बखूबी याद है। अब देखना तो ये होगा कि सनी देओल गदर 2 में फिल्म की कास्टिंग भी सेम होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में सनी देओल, अमीषा पटेल और साथ ही उत्कर्ष शर्मा नजर आने वाले हैं और कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के विलन को अनाउंस कर दिया है। फिल्म में विलन के रोल में रोहित चौधरी देखने को मिलेंगे। और बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो ये जाने माने डायरेक्टर और गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने जा रही है। गदर फिल्म ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी। अब देखना तो ये होगा कि गदर 2 को भी वही प्यार मिलेगा या नहीं। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 रखी है और इस बार तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और फिल्म को एक्शन और फाइटिंग सीन से काफ़ी अच्छे से शूट किया गया है, क्योंकि इस बार फिल्म का बजट 100 करोड़ है और ये फिल्म अभी काफ़ी और बड़ी फिल्म बन चुकी है। जिस तरह से लोगों के बीच में फिल्म की हाइप बनी हुई है, तरह से तो देख के लगता है कि फिल्म आसानी से पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि फिल्म क्या कमाल करके दिखाती है। और इस बार मूवी को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा।